अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। आई एम योर मैथ्स टीचर एंड वेलकम टू योर ऑनलाइन क्लास। ओपन पेज नंबर 9। हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में एक्सरसाइज 1D के 2 क्वेश्चन किए थे, जिसमें हमने फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट का लिस्ट को सेपरेट किया था। फाइनाइट सेट वो होते हैं जिसमें हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट जो होते हैं एक सेट के वो लिमिटेड देखे थे, और इनफिनिट सेट यानी ऐसा सेट जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट या मेंबर जो है अनलिमिटेड हो। उसके बाद हमने एम्प्टी सेट मीन्स के जिसमें कोई मेंबर ना हो या कोई एलिमेंट ना हो वो सेट देखा था। आज हम देखेंगे हमने क्या करना है। इक्वल सेट, इक्वल सेट हमने वो सेट कहा था जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट जो थे आपस में बिल्कुल सेम हो, यानी एक सेट में अगर ए बी सी है तो दूसरे सेट में भी हमारे पास ए बी सी ही हो, तो वो सेट कहलाते हैं इक्वल सेट। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। मेक अ लिस्ट ऑफ द पेयर्स ऑफ सेट्स विच आर इक्वल फ्रॉम द फॉलोइंग्स, यानी हमारे पास कुछ पेयर गिवन है, हमने देखना है कि ये सेट जो है आपस में कौन कौन से ऐसे सेट हैं, कौन कौन से ऐसे पार्ट हैं जिसमें जो सेट्स गिवन हैं वो आपस में इक्वल हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास जो पार्ट 1 है उसमें ए सेट में क्या एलिमेंट है, 2, 3 एंड 4, जबकि बी सेट में हमारे पास है 3, 4, 5। तो देखिए इसमें 2, 3, 4 है और 3, 4, 5 है, मीन्स के एलिमेंट आपस में सेम नहीं है, तो हमारा फर्स्ट सेट जो है वो इक्वल सेट नहीं है। तो आप जब इस पार्ट को लिखेंगे ये क्वेश्चन, और इसके नीचे वाली लाइन पे लिखेंगे नॉट इक्वल सेट। पार्ट 2 में देखें हमारे पास है, यहाँ पे हमारे पास एक एलिमेंट है 1, 4 एंड 9, जबकि बी सेट में हमारे पास एलिमेंट है 12, 22 एंड 32, तो ये भी हमारे पास क्या है, इक्वल सेट नहीं है। पार्ट 3 में हमारे पास है एक सेट में ए बी सी डी ई यानी ए टू ई लेटर्स हैं, जबकि सेकेंड सेट में हमारे पास इंग्लिश वोवल्स अल्फाबेट्स हैं। तो वोवल्स हमारे क्या होते हैं, ए ई आई ओ यू, तो क्या ये ए ई आई ओ यू हैं। ए और ई तो सेम है, बी सी और डी जो है आपस में चेंज है क्योंकि उसमें ए ई आई ओ यू है और इसमें बी सी और डी है, तो ये दो सेट भी आपस में इक्वल नहीं है। फोर्थ में देखें हमारे पास क्या है, यहाँ पे है एक ही एलिमेंट 2, जबकि सेकंड में हमें एक डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में सेट दिया हुआ है, सेट ऑफ इवन प्राइम। तो इवन प्राइम जो होते हैं वो भी हमारे, अगर हम सेट स्टार्ट करें 2, 3, 5, 7 से स्टार्ट होता है, 2 से ही स्टार्ट होता है, और अगर हम सिर्फ इवन प्राइम में सिर्फ 2 ही लें तो ये देखें इसमें भी 2 है और इसमें भी 2, तो ये दोनों सेट आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल सेट। 5 में हमारे पास है मल्टीपल ऑफ 7 लेस देन 30, यानी 7 के जो मल्टीपल है मीन 7 वन जर 7, 7 2 जर 14, तो अगर हम 7 के मल्टीपल्स देखें, सबसे पहले हम यहाँ 7 के मल्टीपल्स लिख लेते हैं। ए सेट के एलिमेंट उसने कहा है हमें 7 के मल्टीपल्स हैं लेस देन 30, 7, 14, तो हमारे पास क्या आ गया, 7, 14, 21 एंड 28, जबकि दूसरे सेट में भी उसने कहा है कि हमारे पास बी सेट जो है वो है 14, 21 एंड 28, तो बी सेट में हम लिख लेते हैं 14, 21 एंड 28, तो देखें हमारे पास यहाँ पे क्या है, सेट देखने में तो सिमिलर है बट देखें इस सेट में हमारे पास 7 भी अवेलेबल है जो कि इस सेट में नहीं है, तो ये भी हमारा नॉट इक्वल सेट होगा। नेक्स्ट पार्ट में देखें हमारे पास क्या है, ए सेट में हमारे पास एलिमेंट है 0, यानी एक एलिमेंट मौजूद है, जबकि बी सेट जो है वो नल सेट है। देखें नल सेट का साइन यानी एम्प्टी सेट, तो अगर हमारे पास ए सेट में हो एक मेंबर 0, 0 भी तो एक मेंबर है, जबकि बी सेट में हो एम्प्टी सेट,
क्या ये इक्वल सेट है, ये भी इक्वल सेट नहीं है। तो इसी तरह इसके आपने रिमेनिंग पार्ट भी अपनी नोटबुक पे कंप्लीट करनी है। नेक्स्ट पेज पे मूव करें, यहाँ पे हमारे पास क्या लिखा है, मेक अ लिस्ट ऑफ इक्विवेलेंट सेट फ्रॉम द फॉलोइंग, यानी इक्विवेलेंट सेट्स हमने लिखने हैं। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन जो है वो रिवाइज करते हैं। इक्विवेलेंट सेट वो था जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट सेम हो, यानी अगर एक सेट में चार एलिमेंट है तो दूसरे में भी चार हो तो वो सेट आपस में इक्विवेलेंट कहलाते हैं। तो इसको देखते हैं कि इनमें से कौन से हमारे ऐसे सेट्स हैं जो आपस में इक्विवेलेंट हैं। सबसे पहला पार्ट है जिसमें ए जो है उसके एलिमेंट हैं आर आई एफ ई, जबकि बी सेट में है एफ आई आर ई। तो हमें ये नहीं देखना कि आपस में एलिमेंट सेम है, हमने जस्ट नंबर ऑफ एलिमेंट काउंट करने हैं। तो इसमें कितने हैं, 1 2 3 4, फोर एलिमेंट हैं, जबकि यहाँ पे 1 2 3 4, ये भी फोर है। तो इट मीन्स ये आपस में इक्विवेलेंट सेट्स हैं, ठीक है, ए और बी आपस में इक्विवेलेंट सेट हैं। नेक्स्ट देखें, हमारे पास सी सेट में एलिमेंट है सी ए आर, जबकि डी सेट में हमारे पास एलिमेंट है ए आर सी एस। यहाँ पे एलिमेंट नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, 3, जबकि यहाँ है 4। तो ये आपस में इक्विवेलेंट सेट नहीं है क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट आपस में सेम नहीं है। नेक्स्ट देखें, यहाँ पे है ए बी सी यानी 3 एलिमेंट, जबकि यहाँ पे है एक्स वाई जी, यहाँ पे भी 3 एलिमेंट है। तो ई और एफ भी आपस में इक्विवेलेंट सेट हैं। फोर पार्ट में हमारे पास क्या गिवन है, जी इज द सेट ऑफ काउंटिंग नंबर लेस देन 13, यानी एक सेट जी बनाना है आपने, उसमें 13 से लेस सारे नंबर लिखने हैं, जबकि एच सेट में आपने क्या लिखना है, एच इज द सेट ऑफ नंबर ऑफ मंथ इन अ ईयर, यानी एक आपके ईयर में जो भी मंथ होते हैं उनका सेट बनाना है। तो देखिए, अगर 13 से लेस हम नंबर का सेट बनाएं तो वो भी 1 से 12 तक होगा, जबकि नंबर ऑफ मंथ इन अ ईयर यानी एक साल में जितने महीने होते हैं वो भी 12 होते हैं। तो हमारे पास क्या होगा, फोर जो पार्ट है यानी जी और एच सेट भी आपस में इक्विवेलेंट हैं। नेक्स्ट हमारे पास है वी पार्ट में, आई सेट में एलिमेंट है 5, 55 एंड 555, यानी आपके पास 3 एलिमेंट हैं, जबकि सेकेंड सेट में हमारे पास सब 5 एलिमेंट हैं, बट नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, यहाँ पे 3 एलिमेंट हैं जबकि यहाँ पे 6 एलिमेंट हैं। तो आई और जे भी आपस में इक्विवेलेंट सेट नहीं है क्योंकि यहाँ पे 3 एलिमेंट हैं और यहाँ पे 6 एलिमेंट है, नंबर ऑफ एलिमेंट आपस में सेम नहीं है। तो इस तरह आज आपकी एक्सरसाइज 1D का क्वेश्चन 3 और क्वेश्चन 4 जो है वो कंप्लीट हुआ, और आपने इन्हीं दो क्वेश्चंस को अपनी नोटबुक पे नीट एंड क्लीन होमवर्क में करना है। थैंक यू स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।